वैसे तो भारत देश में बहुत से हॉन्टेड प्लेस है, लेकिन इस लिस्ट में जिसका नाम सबसे ऊपर आता है वो है भानगढ़ का किला, जो कि बोलचाल में भूतों का भानगढ़ के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है। भानगढ़ की कहानी बड़ी ही रोचक है। 16वीं शताब्दी में भानगढ़ बसता है। 300 सालों तक भानगढ़ खूब फलता फूलता है। फिर यहाँ की एक सुंदर राजकुमारी पर काले जादू में महारथी तांत्रिक सिंधु सेवड़ा आसक्त हो जाता है। वो राजकुमारी को वश में करने के लिए काला जादू करता है, पर खुद ही उसका शिकार होकर मर जाता है। पर मरने से पहले भानगढ़ को बर्बादी का श्राप दे जाता है, और संयोग से उसके एक महीने बाद ही पड़ोसी राज्य अजबगढ़ से लड़ाई में राजकुमारी सहित सारे भानगढ़वासी मारे जाते हैं, और भानगढ़ वीरान हो जाता है। और कहते हैं कि उस लड़ाई में मारे गए लोगों के भूत आज भी रात को भानगढ़ के किले में भटकते हैं, क्योंकि तांत्रिक के श्राप के कारण उन सब की मुक्ति नहीं हो पाई थी। तो यह भानगढ़ की कहानी, जो कि लगती फिल्मी है पर है असली। तो चलो अब मैं तुमको भानगढ़ के उत्थान से पतन की यह घटना विस्तार से बताता हूँ। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। इस किले से कुछ किलोमीटर की दूरी पर विश्व प्रसिद्ध सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। भानगढ़ तीन तरफ पहाड़ियों से सुरक्षित है। सुरक्षा की दृष्टि से इसे भागों में बांटा गया है। सबसे पहले एक बड़ी प्राचीर है, जिससे दोनों तरफ की पहाड़ियों को जोड़ा गया है। इस प्राचीर के मुख्य द्वार पर हनुमान विराजमान है। इसके पश्चात बाजार प्रारंभ होता है। बाजार की समाप्ति के बाद राजमहल के परिसर के विभाजन के लिए त्रिपोलिया द्वार बना हुआ है। इसके पश्चात राजमहल स्थित है। इस किले में कई मंदिर भी है, जिसमें भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशवराय के मंदिर प्रमुख मंदिर है। इन मंदिरों की दीवारों और खंभों पर की गई नक्काशी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह समूचा किला कितना खूबसूरत और भव्य रहा होगा। सोमेश्वर मंदिर के बगल में एक बावड़ी है, जिसमें अब भी आसपास के गांवों के लोग नहाया करते हैं। भानगढ़ किले को आमेर के राजा भगवंत दास ने 1573 में बनवाया था। भानगढ़ के बसने के बाद लगभग 300 वर्षों तक यह आबाद रहा। मुगल शहंशाह अकबर के साले और भगवंत दास के छोटे बेटे, आमेर के महान मुगल सेनापति मानसिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने बाद में इसे अपनी रिहाइश बना लिया। माधो सिंह के बाद उसका पुत्र छत्र सिंह गद्दी पर बैठा। विक्रम संवत 1722 में इसी वंश के हरि सिंह ने गद्दी संभाली। इसके साथ ही भानगढ़ की चमक कम होने लगी। छत्र सिंह के बेटे अजब सिंह ने समीप ही अजबगढ़ बनवाया और वही रहने लगा। यह समय औरंगजेब के शासन का था। औरंगजेब कट्टरपंथी मुसलमान था। उसने अपने बाप को नहीं छोड़ा तो इन्हें कहा छोड़ता। उसके दबाव में आकर हरि सिंह के दो बेटे मुसलमान हो गए, जिन्हें मोहम्मद कुलीज एवं मोहम्मद दहलीज के नाम से जाना गया। इन दोनों भाइयों के मुसलमान बनने एवं औरंगजेब की शासन पर पकड़ ढीली होने पर जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने इन्हें मारकर भानगढ़ पर कब्जा कर लिया तथा माधो सिंह के वंशजों को गद्दी दे दी। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी, और देश के कोने कोने के राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। उस समय उनकी उम्र महज 18 वर्ष ही थी, और उनका यौवन उनके रूप में और निखार ला चुका था। उस समय कई राज्यों से उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकलती थी। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर पहुंची और वो इत्रों को हाथों में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ ही दूरी पर सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा होकर उन्हें बहुत ही गौर से देख रहा था।
सिंधु सेवड़ा उसी राज्य में रहता था और वो काले जादू का जानकार था। ऐसा बताया जाता है कि वो राजकुमारी के रूप का दीवाना था और उनसे बहुत प्रेम करता था। वो किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने उस दुकान के पास आकर एक इत्र के बोतल, जिसे रानी पसंद कर रही थी, उसने उस बोतल पर काला जादू कर दिया जो राजकुमारी के वशीकरण के लिए था। लेकिन एक विश्वसनीय व्यक्ति ने राजकुमारी को इस राज के बारे में बता दिया। राजकुमारी रत्नावती ने उस इत्र के बोतल को उठाया, लेकिन उसे वही पास के एक पत्थर पर पटक दिया। पत्थर पर पटकते ही वो बोतल टूट गई और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। इसके बाद से ही वो पत्थर फिसलते हुए तांत्रिक सिंधु सेवड़ा के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्दी ही मर जाएंगे और वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और ताउम्र उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेंगी। उस तांत्रिक के मौत के कुछ दिनों बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस श्राप से नहीं बच सकी और उनकी भी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम के बाद वहां मौत की चीखें गूंज गई और आज भी उस किले में उनकी रूहें घूमती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खुदाई से इस बात के पर्याप्त सबूत मिले हैं कि यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौजूद रहती है। एएसआई ने सख्त हिदायत दे रखी है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में किसी भी व्यक्ति के रुकने के लिए मनाई है। भारतीय पुरातत्व के द्वारा इस खंडहर को संरक्षित कर दिया गया है। गौर करने वाली बात है, जहां पुरातत्व विभाग ने हर संरक्षित क्षेत्र में अपने ऑफिस बनवाए हैं, वहीं इस किले के संरक्षण के लिए पुरातत्व विभाग ने अपना ऑफिस भानगढ़ से दूर बनवाया है। अब मैं बताता हूँ भानगढ़ किले के मंदिरों के बारे में। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि इस किले में कई सारे मंदिर है, जिसमें भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशवराय के मंदिर प्रमुख मंदिर है। इन मंदिरों की एक यह विशेषता है कि जहां किले सहित पूरा भानगढ़ खंडहर में तब्दील हो चुका है, वही भानगढ़ के सारे मंदिर सही है, लेकिन अधिकतर मंदिरों से मूर्तियां गायब है। सोमेश्वर महादेव मंदिर में जरूर शिवलिंग है। दूसरी बात, भानगढ़ के सोमेश्वर महादेव मंदिर में सिंधु सेवड़ा तांत्रिक के वंशज ही पूजा पाठ कर रहे हैं, ऐसा उस मंदिर के पुजारी ने बताया था। जब उनसे भूतों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह भूत है, ये बात सही है, पर वो भूत किले के अंदर केवल खंडहर हो चुके महल में ही रहते हैं, महल से नीचे नहीं आते हैं, क्योंकि महल की सीढ़ियों के बिल्कुल पास भामिया जी का स्थान है, जो उन्हें महल से बाहर नहीं आने देते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि रात के समय हम किला परिसर में रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु महल के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो यह है भानगढ़ की कहानी। अब वह भूत है कि नहीं, यह विवाद का विषय हो सकता है, पर यह जरूर है कि भानगढ़ एक बार घूमने लायक जगह है। और यदि तुम भानगढ़ घूमने का प्रोग्राम बनाते हो तो मेरी राय है कि तुम वहाँ सावन यानी कि जुलाई और अगस्त में जाओ, क्योंकि भानगढ़ तीनों तरफ से अरवली पहाड़ियों से घिरा हुआ है और सावन में उन पहाड़ियों में बाहर आ जाती है। और यदि तुमको सोमेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी से भानगढ़ का इतिहास सुनना हो तो तुम सोमवार के दिन जाओ, क्योंकि पुजारी जी सोमवार को पूरा दिन मंदिर में रहते हैं, बाकी दिन तो सुबह पूजा करके वापस चले जाते हैं।